तुझको सांझ सवे नैनों में बसियां जैसे तेरे। दोस्तों जिस तरीके का वीडियो आपने प्रीव्यू पे देखा, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। पहले का नाम है पिक्सल लैब और दूसरे का नाम है कैपकट और तीसरे का नाम है वीपीएन। तो तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है लास्ट सेकेंड पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी फ़ोटो ऐड करना चाहें, तो आपको यहाँ पे कोई भी कपल का एक फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक कपल फ़ोटो ऐड कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना एक कपल फ़ोटो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 9x16 का साइज़ सिलेक्ट करके देना, आपको टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद दोस्तों आपको अब करने के अपना इस टेक्स्ट के ऊपर अपना क्लिक कर देना है। टेक्स्ट के ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इमोजी दे देना है। तो इमोजी देने के लिए दोस्तों आपको करने क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों अपने इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस वाले इमोजी को आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो दोस्तों अपने फ़ोन पे iOS इमोजी फ़ोन अपना यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आपको, और यहाँ पे इस तरीके से अपनी इमोजी को इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको करने क्या है, देन आपको यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। देन आपको इस तरीके से एक बार स्क्रीन पे टैप कर देना है और नॉइस वाले पे क्लिक कर देना। देन इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों पिक पे टेक्सचर आ गया है। तो आपको टेक्सचर जितना रखना हो अपने हिसाब से रख लेना। तो यहाँ पे मैं 50 कर दे रहा हूँ। देन आपको टिक करके आपको इस वाले फ़ोटो को आपको सेव कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास इमोजी नहीं आ रहा तो इमोजी का भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आपके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना और इस फोटो को आपको यहाँ पे सेव कर लेना। तो सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना। जैसे सेव कर दोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों फ़ोटो सेव करने के बाद आपको करना है क्या है, अब आपको अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। और होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना VPN को कनेक्ट कर लेना होगा। और VPN कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर ले, तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे साइड पे देख सकते हो दूसरे नंबर पे टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो टेम्पलेट के ऊपर अपना क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सर्च टेम्पलेट के ऊपर अपना टैप कर लेना है। और टैप करने के बाद यहाँ पे आईकल एआर सर्च कर लेना है। तो इस तरीके से आईकल एआर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ऊपर ही आपका एक टेम्पलेट आ जाएगा। तो इसको अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसका आईडी ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर अपना प्रोफाइल के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर, तो जैसे ही दोस्तों आईडी को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपका ये वाला, आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट मिल जाएगा। तो आपको इस पिन वाले टेम्पलेट को, पहले नंबर वाले को ओपन कर लेना है और यूज टेम्पलेट के ऊपर टैप कर देना है। यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोटो को आपने अपने पिक्सल लैब से ऐड किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर ले। वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देना है। देन आपको यहाँ पे क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके 1080 करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। देन सेवन शेयर टिकटॉक वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर ले। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो वीडियो सेव हो गया है। सेव होने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो इस तरीके से अपना बैक हो जाना। और बैक होने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे अपनी कैपकट के होम स्क्रीन पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अपनी होम स्क्रीन पे आ जा रहा हूँ। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आपको करने क्या होगा, एडिट वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टाइप कर देना है। देन आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने अभी सेव किया है। तो आपके यहाँ पे क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना। और वेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद करने क्या है दोस्तों, आपको इसका आईडी म्यूट कर देना है। रेशो पे क्लिक करना और यहाँ पे 9x16 का रेशो सिलेक्ट करके टिक कर लेना। और यहाँ पे ये एड आईडी के ऊपर क्लिक करके आपको एक्स्ट्रेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये ट्रेंडिंग रील्स वाला आईडी को आपको यहाँ पे
सिलेक्ट कर देना है, देन आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इससे सेव कर लेना है।